सो फ्रेंड्स, मेरे नए दिन की शुरुआत कुछ मेरे होम स्टे में इस तरह से होती है। गाइस, मैं अभी सुबह निकला हूँ मॉर्निंग वॉक करने और ये है हमारा होम स्टे। उस तरफ दूर में पता नहीं कैमरा में दिखाई दे रहा है नहीं, वो भूटान की पहाड़ियाँ हैं, तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बादल में छिपी हुई नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से मॉर्निंग वॉक करके मैं पहुंच गया बैक टू होम स्टे। वहां मैं फ्रेश हुआ और अपना ब्रेकफास्ट लिया और रेडी हो गया जाने के लिए टू रिवर जयंती। ये है मेरी ऑटो, आ गई, मैं जा रहा हूँ आसपास के लोकल टूरिस्ट साइटिंग के। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अभी जयंती रिवर। वहां जाने के लिए हमें जंगल के कोर एरिया से गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा परमिट, तो चलते हैं लेने के लिए परमिट। आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम है भीम प्रधान। भीम प्रधान ये है ना टिकट काउंटर? तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का टिकट काउंटर जहाँ से परमिट इशू होता है। ये टिकट मैंने ले लिया है, कोई भी आईडी आप दिखाकर काउंटर से 120 पर ऐड करके ले सकते हैं, जो कि आपको लगेगी रिजर्व के अंदर जाने के लिए। So friends, let's get inside to the core area of Buxa Tiger Reserve. Jet set go! So friends, yahi road जंगल के कोर एरिया से निकलते हुए स्ट्रेट अवे आपको 15 किलोमीटर्स स्ट्रेट अवे जयंती रिवर बेड तक लेके जाती है। रोक सकता है इधर? हाँ, तो गाइस, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इधर से आ रहे हैं, ये जंगल के भीतर सफारी जो जाती है उसके लिए है। यहाँ से निकल के इधर में घुस जाते हैं सफारी में अगर आए तो। ये एकदम जंगल के इंटीरियर में ये रास्ता जाता है सफारी के लिए। चलिए, हाथी अगर दिख जाता है सामने, जैसे गाड़ी या फिर जा रहा है आपका, हाथी अगर दिख जाता है सीधा सीधा तो अटैक नहीं करता है ना, कुछ चुपचाप अपना निकल जाएगा शांति। हाँ, निकल जाता है फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। वो लोग ऐसे आता नहीं है गाड़ी के ऊपर अटैक वटैक करने, तो नहीं आता है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ ही दूर आगे चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं टू द ब्यूटीफुल रिवर जयंती एट इंडो भूटान बॉर्डर।
गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पे पहली स्पॉट में, जो कि है जयंती रिवर। पानी तो अभी फिलहाल मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखें आगे अगर दिखते हैं तो। वो सामने आप देखिए पहाड़ है, हिमालयस का स्टार्टिंग हो जाता है ये। गाइस आगे में मुझे पानी दिखाई दिया, फिलहाल थोड़ा पानी है नदी में, जयंती नदी में। चलें ये देखिए, मुझे उस पार जाना है तो शूज़ खोलने पड़ेंगे। शूज़ खोल के मैं जाता हूँ उस पार। तो गाइस शूज़ मैंने खोल लिए हैं, अब चलें उस पार। जय माता दी। पानी ठंडा है, इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का है। आगे थोड़ा फ्लो है पानी का। जाने की कोशिश की लेकिन पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे रिस्क लेना ठीक नहीं है। पानी अगर बढ़ गया ना कभी अचानक तो फिर मेरे को लेके चला जाएगा, तो इसीलिए बेटर है कि मैं इस साइड से ही आप लोग को यहाँ के नज़ारे दिखाऊँ। इस ब्यूटीफुल प्राकृतिक नज़ारे को निहारते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और करीब मुझे आए हुए यहाँ एक घंटे से ज़्यादा हो गए। उसके बाद मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं नदी के, बक्सा टाइगर रिजर्व है, कोर एरिया है बक्सा टाइगर रिजर्व का, और बीच में ये नदी जयंती नदी फ्लो करती है इधर। सो गाइस अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे प्रकृति के नज़ारे, दिल खुश हो गया आके। अब चलें देखें सफारी का, अगर मेरा हो सकता है आज तो सफारी कर लेंगे, नहीं तो बैक टू
होम स्टे।